बचपन से आपने कोई चीज की कमी नहीं होने दी। मुझ जैसे अनाथ को पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, जीतना सिखाया। मेरी हर परेशानी में मेरे पीछे खड़े रहते थे। माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। अब थक गया हूं। अब आपके आपके बगैर जीने का कोई मकसद समझ में नहीं आता। हेलो। अच्छा देख, चादर पे जो फूल लगाएगा ना एकदम ताजा होना चाहिए वो। हाँ यार, और सारे ना गुलाब के फूल होना चाहिए। हाँ हाँ क्या भाई थोड़ा। अच्छा ठीक है, हाँ मैं पूछता हूँ। हाँ 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 तू तैयार कर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ लगा रहा हूँ मैं। हाँ कोशिश करूंगा वो क्या आपके नक्शे का दफ्ते चलते। बेटा इतना खामोखा रोकर अपन उनकी बर्फी पर उनकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। देख चादर के हर कोने पर जो है ना अपन ने अप्पू का नाम लिखाया है, और चादर जो है ताज़े गुलाब से बनी हुई चादर। तू अपने हाथों से उन पर चादर उड़ाना, ठीक है? पर सलाह। पर क्या चाचा? यार चादर अपने को यार 3000 रुपये पड़ रही है यार। ठंड में जब मैं कांपता था अपनी बाहों में भर लेते थे, जन्नत का सुकून मिलता था चाचा। तीन हजार क्या 4000 हो, चादर तो चढ़ा सकता हूँ ना। तू बैठ यहाँ पे, मैं चादर लेकर आता हूँ। बैठ। ये लो, ये पैसे तुम्हारे अब्बू ने दिए तुम्हारी स्कूल फीस के लिए। चाचा जान, चादर रहने दीजिए, मुझे मकसद मिल गया है।
हूँ।